इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर इंग्लिश का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 14 का नाम है ही लिव्स द नेस्ट, वह घोंसला छोड़ता है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्ले लिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं, क्लास फोर इंग्लिश बिहार बोर्ड का प्ले लिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वार्मर। 1 में लिखा हुआ है विच इज योर फेवरेट बर्ड एंड वाई, आपका प्रिय पक्षी कौन है और क्यों है, प्रिय पक्षी कौन है और कारण भी बताना है। तो देखिए पक्षियों को लोग विभिन्न कारणों से पसंद करते हैं, जैसे रंग के कारण, जैसे मोर को पसंद करते हैं उसके रंग के कारण, ठीक है, वह बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके बाद है उसके आवाज के कारण, ठीक है, उसके आवाज के कारण, जैसे कोयल है तो उसका आवाज बहुत ही सुरीला होता है तो उसके आवाज के लिए लोग पसंद करते हैं। या फिर क्या उसकी उपयोगिता के कारण, जैसे हम सब मुर्गा या फिर मुर्गी, ये सब मुर्गी अंडी देती है तो उसकी उपयोगिता के कारण हम सब उसको पसंद करते हैं। तो किसी पक्षी को उसकी उपयोगिता के कारण आप पसंद करते हैं, या फिर रंग रूप के कारण, या फिर उसकी सुरीली आवाज के कारण, ठीक है। तो यही सब आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक लिख के दिखा रहे हैं अपने बारे में, आपको अपने बारे में लिखना है। माई फेवरेट बर्ड इज कक्कू, मेरा प्रिय पक्षी कोयल है। आई लाइक इट ड्यू टू इट्स स्वीट वॉइस, मैं इसे इसके मधुर आवाज के कारण पसंद करता हूँ। ड्यू टू मीन्स क्या होता है, के कारण, स्वीट मीन्स क्या, मधुर। टू है विच बर्ड वेक्स यू अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन सा पक्षी आपको सुबह में बहुत जल्दी जगाता है। व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। लाइक मीन्स पसंद करना, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना। तो देखिए जो पक्षी आपको जगाएगा सुबह में बहुत जल्दी उसके बारे में बताना है, जो आप पसंद करते हैं और जो आप नापसंद करते हैं, ठीक है। आंसर लिखेंगे कॉक हेन एंड क्रो वेक मी अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मुर्गा मुर्गी और कौवा सुबह में मुझे बहुत जल्दी जगाता है, ठीक है। जब मैं गांव में रहता था नानी घर में तो मुर्गा मुर्गी और कौवा सचमुच में मुझे और बाकी लोगों को भी, गांव के लोगों को भी, ठीक है, सुबह में बहुत जल्दी जगाता था, ठीक है, जगाता था। तो ये रियल है, रियल लिखे हैं, ठीक है। तो आपको जो पक्षी जगाता है सुबह में, ठीक है, उसके बारे में आप लिखिएगा। व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। तो इन तीनों के बारे में लिखेंगे क्योंकि तीनों जगाता था। आई लाइक द मीट ऑफ कॉक एंड द एग ऑफ हेन, मैं मुर्गा का मीट और मुर्गी का अंडा पसंद करता हूँ। बट आई डोंट लाइक द वॉइस ऑफ क्रो, लेकिन मैं कौवा का आवाज़ पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। इसका कौवा का जो आवाज़ है ना बहुत ही कर्कश होता है। इसी तरह का आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 है नेम सम ऑफ द बर्ड्स विच आर फाउंड इन योर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मीन्स क्या होता है, परिवेश, आसपास, ठीक है, आसपास का। तो सराउंडिंग मीन्स क्या होता है, परिवेश या आसपास का। फाउंड मीन्स क्या हो गया, पाया जाना। तो बोला जा रहा है नेम सम ऑफ द बर्ड्स विच आर फाउंड इन योर सराउंडिंग्स, कुछ पक्षियों के नाम बताएं जो आपके आस पड़ोस में पाए जाते हैं, जो आपके आस पड़ोस में पाए जाते हैं। तो देखिए हम तो शहर में रहते हैं पटना में, तो आसपास क्या पाया जाता है, बगल में मार्केट है, ये दोनों तो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कौवा देखने को मिल जाता है, कोयल भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, और ये सामने वाले छत पे ये पाला हुआ, ठीक है, और ये भी कभी कभी दिख जाता है। पहले बहुत ज़्यादा दिखता था लेकिन अब ये थोड़ा बहुत दिख पाता है, ठीक है। स्पैरो मिस होता है गौरैया, पिजन मिस कबूतर, कक्कू मिस कोयल, क्रो मिस कौवा, हेन मिस मुर्गी और कॉक मिस मुर्गा। तो वही अपने बारे में लिखे हैं, यहाँ पर अपने बारे में लिखे हैं, आपको अपने बारे में लिखना है कि आपके आस पड़ोस में कौन कौन से पक्षी मिलते हैं, ठीक है। तो आप अपने बारे में लिखिएगा, अगर गांव में रहते हैं तो ढेर सारा पक्षी मिलेगा और शहर में रहेंगे तो थोड़ा बहुत पक्षी मिलेगा, जैसे, ठीक है, जैसे ये लिखे हैं। तो लिखेंगे कॉक हेन क्रो कक्कू पिजन स्पैरो इट इज सी आर फाउंड इन माई सराउंडिंग्स, मुर्गा मुर्गी कौवा कोयल कबूतर गौरैया इत्यादि, इटीसी लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने पक्षी नहीं और भी पक्षी हैं, इत्यादि मेरे आस पड़ोस में पाए जाते हैं। वाई शुड वन नॉट किल ए बर्ड फॉर स्पोर्ट, ठीक है,
ये तो लिख सकते हैं, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, खाली 1, 2, 3 में अंतर है, 4 तो सबके लिए सेम ही है। तो 4 में बोला जा रहा है, वाई शुड वन नॉट किल अ बर्ड फॉर स्पोर्ट। स्पोर्ट में क्या होता है, खेल, ठीक है, खेल जिसको बोलते हैं ना हंटिंग। तो पहले क्या है, पहले जानवरों और पक्षियों को मारा जाता था ना शिकार के लिए, जोर नहीं है कि उसको खाने के लिए मारते थे, राजा सब जो है वो सब बस खेल के रूप में मारते थे। तो वही बोला जा रहा है, किसी को, एक पक्षी को खेल के लिए क्यों नहीं मारना चाहिए। तो लिखेंगे आंसर, बर्ड्स आर आवर नेचुरल कंपेनियंस, पक्षी हमारे प्राकृतिक साथी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि गांव है तो खेत में चले गए हैं, तो वहां पर अकेलापन महसूस नहीं होता, वहां पर ढेर सारे पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा साथी है। तो वही बोला जा रहा, बर्ड्स आर आवर नेचुरल कंपेनियंस, कंपेनियंस मीन्स क्या होता है, साथी। पक्षी हमारे प्राकृतिक साथी होते हैं, हमारे सहायक होते हैं, ठीक है, हमारे सहायक होते हैं, ठीक है, एंटरटेनर, ठीक है, और आनंद देने वाले होते हैं, मनोरंजन करने वाले होते हैं, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसलिए किसी को, वन शुड नॉट किल ए बर्ड फॉर स्पोर्ट, इसलिए किसी को, एक पक्षी को खेल के लिए नहीं मारना चाहिए। तो एंटरटेनर है, ठीक है, आनंद देते हैं, वो चहचहाते हैं, इधर उधर कूदते हैं, उछलते हैं, ठीक है। तो उसको देखकर क्या होता है, ठीक है, मन खुश होता है, और सहायक होते हैं, हेल्पर ही है। हेल्पर कैसे हैं, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, ये हमारे क्या हो गए, हेल्पर हो गए। चलिए अब कविता पढ़ लेते हैं, यहाँ पर जो मुर्गा देख रहे हैं इसी के बारे में कविता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। तो बोला जा रहा है, ही लीव्स द नेस्ट, वह घोंसला छोड़ता है, एंड फ्लैप्स हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है, एंड स्टॉप्स और रुकता है, एंड स्ट्रट्स और अकड़कर चलता है, ठीक ना, बताओ, प्राउड के साथ, गर्व के साथ, और अकड़कर चलता है, एंड बिट बाय बिट ही मेक्स हिज वे टू टॉप ऑफ ट्री। और बोला जा रहा है, और बिट बाय बिट, बिट बाय बिट मतलब क्या, धीरे धीरे, और धीरे धीरे वह पेड़ की ऊंचाई पर जाता है, पेड़ की ऊंचाई पर, एंड हिज नेक अप, और अपने गर्दन को ऊपर करता है, ठीक ना, गर्व से ऊपर करता है। और जो मुर्गा है ना, कुकड़ू कू करने के लिए होता है ना, अपने गर्दन ऊपर करता है, तो वही बोला जा रहा है, हिज नेक अप, वो अपने गर्दन को ऊपर करता है, हिज टेल अप, अपने पूंछ को ऊपर करता है, हिज फुट अप, अपने पैर को ऊपर करता है, दोनों पैर को नहीं, दोनों पैर को करेगा तो हवा में रहेगा, एक पैर को, हिज कॉम अप, वो अपने कलगी को ऊपर करता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं CUMB, तो इसमें बी है ना, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम किसको बोलते हैं, कलगी को बोलते हैं, कलगी उसके सिर पे जो रहता है ना रेड कलर का, उसी को बोलते हैं कलगी। तो अपने कलगी को ऊपर करता है, द कॉक लिफ्ट्स हिज वॉइस अप, मुर्गा अपने आवाज को क्या, तेज करता है, ठीक ना, अपने आवाज को तेज करता है, एंड क्रोज, और बांग देता है। क्रोज मीन्स क्या, कुकुरु को करना, बांग देना, ठीक है ना। तो मुर्गा बांग देता है यानी कुकुरु को करता है बहुत जोर से, ठीक है, हिज वॉइस अप, अपने आवाज को क्या ऊपर करता है, यानी क्या, जोर से वो क्रोज, जोर से वो क्या बांग देता है, कुकड़ू को करता है। देखिए क्रोज में क्या होता है, कौवे भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बांग देना है, बांग देना मतलब क्या, कुकड़ू को करना। ये कविता कौन लिखा है, एनोनिमस, एनोनिमस में क्या होता है, गुमनाम। कविता कौन लिखा है ना, अपना नाम ही लिखना भूल गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, गुमनाम। जैसे मान लेते हैं आपको रास्ते में कोई बैग मिला, ठीक है, उसमें कोई आइडेंटिटी कार्ड है ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो क्या हो गया, पर्स या बैग जो भी मिला आपको वो गुमनाम हो गया। तो ये कविता क्या, कोई नहीं लिखा, लिखने वाला का अपना नाम ही नहीं लिखा है, तो इसलिए लिखा हुआ एनोनिमस, एनोनिमस में क्या होता है, गुमनाम। तो देखिए ये जो कविता है ना, ठीक है, ये संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया गया, ये कविता क्या एक्चुअल में किस में है, संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा, जॉन ब्रह के द्वारा, जॉन ब्रह। चलिए वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, व्हाट्स टू नो, जानने लायक शब्द। देखिए नेक्स्ट मीन्स होता है घोंसला, ये तो आपको पता ही है, ये तो आसान है। फ्लैप्स मीन्स होता है फड़फड़ाता है, ठीक है, फड़फड़ाता है।
स्ट्रट्स मीन्स होता है अकड़कर चलता है, ठीक है ना, गर्व के साथ, बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा, और बिट बाय बिट मीन्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे, दोनों होता है। कॉम मीन्स होता कलगी, ठीक है, मुर्गा के माथे पर जो रहता है ना लाल फूल, लाल फूल उसी को कहते हैं कलगी। क्रोच मतलब बांग देता है, यानी कि क्या, कुकरू कु करता है। चलिए अब क्वेश्चन ऐसा पढ़ लेते हैं। बी में लिखा हुआ है लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचे और बताएं। व्हाई डू यू थिंक द बर्ड लीव्स द नेस्ट, आप क्या सोचते हैं पक्षी अपना घोंसला क्यों छोड़ता है? तो देखिए सुबह सुबह अपना घोंसला छोड़ता है, हर पक्षी को छोड़ना पड़ता है भोजन की तलाश करने के लिए। द बर्ड लीव्स द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, पक्षी अपना घोंसला भोजन की तलाश में छोड़ता है, ठीक है, अपना घोंसला छोड़ेगा तो ना बाहर जाके भोजन ढूंढेगा। बी है वेयर डज द बर्ड मेक इट्स वे, पक्षी कहाँ जाता है, घोंसला से निकला तो पक्षी कहाँ गया, कहाँ गया, पेड़ के ऊंचाई पे गया। द बर्ड मेक्स इट्स वे टू द टॉप ऑफ द ट्री, पक्षी पेड़ की ऊंचाई पर जाता है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई पर जाता है। सी है हु लिफ्ट्स हिज वॉइस अप, कौन अपना आवाज बढ़ाता है, ठीक है ना, कौन बढ़ाता है, तो मुर्गा बढ़ाता है जिस मुर्गा के बारे में पढ़े हैं, और जोर से बांग देता है, जोर से कुकड़ू को करता है। टेंशन लिखेंगे द कॉक लिफ्ट्स हिज वॉइस अप, हु की जगह क्या लिखे, द कॉक लिखे, मुर्गा अपना आवाज बढ़ाता है। सी है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, थिंक मीन्स होता सोचना, राइट मीन्स होता लिखना। राइट इन द बॉक्सेस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो बोलो जरा बॉक्सों में लिखें नीचे दिए गए कथन सही है या गलत। ए है द कॉक डज नॉट फ्लैप हिज विंग्स, मुर्गा अपने पंखों को नहीं फड़फड़ाता है, तो ये क्या गलत है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है फिर अकड़ कर चलता है, ठीक है ना, तो अपने पंखों को नहीं फड़फड़ाता है ये यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या गलत है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनाया हुआ है। He reaches the top of tree instantly. Instantly means क्या होता है, तुरंत, और at once means क्या होता है, तुरंत, दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो बोला जा रहा है वह पेड़ की ऊंचाई पर तुरंत पहुंचता है, तो क्या है, गलत, तो हो जाएगा false, false means होता है गलत, वह धीरे धीरे पहुंचता है बीट बाय बीट। See here the cock is in action after he leaves the nest. घोंसला छोड़ने के बाद मुर्गा हरकत में आता है, मतलब वो कुछ कार्य करने लगता है अपने घोंसला छोड़ने के बाद, ठीक है, तो क्या सही है, तो हो जाएगा ट्रू, तो पेड़ की दम ऊंचाई पर जाता है, ठीक है, और कुकड़ू को जोर से करता है लोगों को जगाने के लिए। डी है द कॉक क्रोज इन लाउड वॉइस, मुर्गा एक तेज आवाज में कुकड़ू को करता है यानी बांग देता है, ठीक है, तो ये क्या सही है, तो हो जाएगा ट्रू। सी पॉइंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोयम यू हैव रीड, तो बोला जा रहा कविता के आधार पर, कविता के आधार पर नीचे दिए गए पंक्तियों को पूरा कीजिए जो आप पढ़ चुके हैं, ये कविता तो आप पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, तो ये जो खाली स्थान है ना, ठीक है, इसी में क्या करना है, भरना है, ठीक है, ये कविता से दिया गया, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कविता को याद करना पड़ेगा, और कोई हार्ड नहीं है, कविता छोटा सा ही है। तो क्या होता है, ही लिव्स द नेस्ट, ठीक है, यहाँ पर नेस्ट हो जाएगा, एंड फ्लैप्स हिज विंग्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ई एस टी नेस्ट, ठीक है, एंड फ्लैप्स हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, ठीक है, और रुकता और क्या करता है, तो एस टी आर यू टी एस, स्ट्रट्स में क्या होता है, करता है, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, तो चलिए आपको भर के दिखाते हैं। तो यही था जो अंडरलाइन किया हुआ, वहां पर क्या था, खाली था, ही लिव्स द नेस्ट, वह घोंसला को छोड़ता है, एंड फ्लैप्स हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है, एंड स्टॉप्स, और रुकता है, एंड स्ट्रट्स, स्ट्रट्स मीन्स क्या होता है, अकड़ता है, रुकता है और अकड़ता है, अकड़ता है यानी क्या, कड़कर चलता है, स्ट्रट्स मीन्स क्या होता है, कड़कर चलना, एंड बिट बाय बिट, बिट बाय बिट मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे, एंड बिट बाय बिट ही मेक्स हिज वे टू टॉप ऑफ ट्री, और धीरे धीरे वह पेड़ की ऊंचाई पर जाता है, एंड और हिज नेक अप, और अपना गर्दन ऊपर करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब छूटा हुआ था, खाली था, भरना था, तो भर के दिखा दिए।
3.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है व्हाट डज द कॉक डू आफ्टर लीविंग हिज नेस्ट, मुर्गा अपना घोंसला छोड़ने के बाद क्या करता है? तो सीधे पेड़ की ऊंचाई पर जाता है। तो लिखेंगे द कॉक मेक्स हिज वे टू द टॉप ऑफ ए ट्री आफ्टर लीविंग हिज नेस्ट, मुर्गा अपना घोंसला छोड़ने के बाद पेड़ की ऊंचाई पर जाता है। बी है हाउ डज ही रीच द टॉप ऑफ द ट्री, वह कैसे पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचता है? तो धीरे धीरे, ठीक ना, बिट बाय बिट। तो वही लिखेंगे ही रीचेज द टॉप ऑफ द ट्री बिट बाय बिट, वह पेड़ की ऊंचाई पर धीरे धीरे पहुंचता है। बिट बाय बिट यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सी है डिस्क्राइब द पोस्चर इन विच द कॉक क्रोज, देखो पोस्चर में क्या होता है, बॉडी पोस्चर, मुद्रा, ठीक है। जैसे फोटो खिंचाते हैं तो कुछ देर तक स्टेबल नहीं हो जाते हैं, ठीक है, एक खास मुद्रा में फोटो खिंचाते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं पोस्चर, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा मत समझिएगा, मुद्रा मतलब क्या, शारीरिक मुद्रा, जिस हाव भाव और जिस तरह से हम सब क्या खड़े हैं या बैठे हैं उसी को बोलेंगे पोस्चर। तो बोला जाए डिस्क्राइब द पोस्चर इन विच द कॉक क्रोज, क्रोज में क्या, बांग देता है, क्रोज मतलब कौवे मत समझ जाएगा, क्योंकि क्रोज में क्या होता है, कौवा भी होता है, लेकिन यहाँ पर कौवा है नहीं, क्रोज में क्या होता है, बांग देता है यानी कुकरू कु करता है। तो सी में बोला जा रहा है डिस्क्राइब द पोस्चर इन विच द कॉक क्रोज, उस मुद्रा का वर्णन करे जिसमें मुर्गा बांग देता है यानी कुकरू कु करता है। तो आंसर लिखेंगे द कॉक क्रोज रेजिंग इट्स नेक टेल फुट एंड कॉम, कॉम यानी क्या, कलगी, कॉम मतलब क्या होता है, कंघी भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंघी नहीं है, कलगी है, जो मुर्गा के सिर के ऊपर होता है रेड कलर का। तो आंसर क्या हो गया, मुर्गा अपना गर्दन, पूंछ, पैर और कलगी को उठाकर बांग देता है। डी ए हाउ कैन यू रिलेट योर लाइफ विद डेट ऑफ ए कॉक, तो बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन का संबंध मुर्गे के जीवन से कैसे कर सकते हैं, ठीक, कैसे संबंध बना सकते हैं, यानी दोनों में तुलना कैसे कर सकते हैं, जो दोनों में कॉमन है, मुर्गा के जीवन में भी और आपके जीवन में भी। तो देखिए जिस प्रकार से मुर्गा अपने घोंसले को सुबह सुबह छोड़ता है, ठीक है, छोड़ना ही पड़ेगा, फिर अपने डेली रूटीन को फॉलो करेगा, ठीक है ना, वो जो मुर्गा है उसके बाद वो भोजन करेगा, ठीक है, भोजन की तलाश करेगा, बिल्कुल इसी प्रकार हम सब करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, अपना डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर इस तरह से अपने काम करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से मुर्गा भी करता है। तो ऐसे लिखेंगे आई लीव माई बेड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में, ठीक है, अपना बिस्तर छोड़ता हूँ यानी जगता हूँ, कंप्लीट माई रूटीन, अपना रूटीन को पूरा करता हूँ, जो डेली रूटीन होता है ना, ब्रश करना और क्या क्या करना आपको पता ही होगा, एंड इट जस्ट लाइक ए कॉक, ठीक है, और मुर्गे की तरह हम लोग खाते हैं, मुर्गे की तरह हम लोग खाते हैं, कहने का मतलब क्या, मुर्गा भी खाता है, हम सब भी खाते हैं। डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलो शब्दों की शक्ति को बढ़ाएं। डी पॉइंट वन मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी, तो बोला जा रहा है कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में दिए गए उनके अर्थों से मिलाएं। तो कॉलम ए में जो शब्द दिया गया ना उसका अर्थ दिया गया कॉलम बी में, तो वही हमें मिलाना है। देखिए फ्लैप्स में होता है क्या, फड़फड़ाता है, ठीक है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, तो क्या हो जाएगा, मूव्स अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, तो अपने पंखों को क्या करेगा, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करेगा, तो ये हो गया। विंग्स मीन्स क्या होता है, पंख होता है, तो क्या हो जाएगा, द पार्ट विद विच ए बर्ड फ्लाइज, ठीक है ना, शरीर का वैसा भाग जिससे क्या करता है, पक्षी उड़ता है, तो पंख से ही उड़ता है। स्ट्रट्स मीन्स क्या होता है, अकड़कर चलता है, तो क्या हो जाएगा, अकड़कर चलता है, तो वॉक्स प्राउडली, ठीक है ना, गर्व के साथ चलता है। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला, ठीक है, तो यही है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स लिव एंड ले देयर एग्स, वैसा जगह जहाँ पक्षी रहते हैं और अपने अंडे देते हैं, तो घोंसला में ही अंडे देंगे और रहेंगे। टेल मीन्स क्या होता है, पूछ, तो क्या हो जाएगा, द एंड और लास्ट पार्ट ऑफ एन एनिमल, जानवर का जो पिछला भाग होता है ना उसको पूछ बोलते हैं। कॉम जो बच गया, कलगी बोलते हैं। रेड फ्लैश क्रेस्ट ऑफ कॉक्स, मुर्गा के सिर के ऊपर जो रेड कलर का रहता है ना उसको कलगी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, COMB, कॉम, कॉम बी नहीं पढ़ते हैं, बी सिर्फ लिखते हैं,
पढ़ते हैं COM, कॉम हो गया। आप आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा लिखा हुआ आ जाएगा और फिर आराम से अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। डी पॉइंट टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो बोला जा रहा है बॉक्स में दिए गए शब्दों से खाली स्थानों को भरे। तो ये बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें जितने सारे शब्द दिए गए हैं इसी से क्या करना है, खाली स्थानों को भरना है। सबसे पहले इसका हिंदी पढ़ लेते हैं तब जाके हमें समझ में आएगा आगे। देखिए बीट बाय बीट में क्या होता है, धीरे धीरे। टॉप में क्या होता है, ऊपर। लिफ्ट में क्या होता है, उठाना, ठीक है ना, उठाना, जैसे बक्सा उठाना इस तरह से कुछ भी। लिफ्ट में क्या होता है, छोड़ता है, जैसे मुर्गा क्या करता है अपने घोंसला को छोड़ता है। नेक में से होता है गर्दन। नेस्ट में क्या होता है, घोंसला, ढेर सारा घोंसला है इसलिए ऐसे लगाए हुआ है। वॉइस में होता है आवाज। देखिए फ्लाइज में क्या होता है, मक्खियां और उड़ता है, दोनों होता है। तो पढ़ के ही पता चलेगा, जब खाली स्थान बनाएगा ना तब पता चलेगा कि फ्लाइज का मतलब यहाँ पर मक्खियां है या फिर उड़ता है, ठीक है। स्टॉप्स में क्या होता है, स्टॉप्स में होता है रुकता है या रुकती है, लड़की रहेगा तो रुकती है और लड़का रहेगा तो रुकता है। विंग्स में क्या होता है, पंख। बोर्ड में क्या होता है, चढ़ना, ठीक है, चढ़ना। क्रिया के रूप में होता है क्या, चढ़ना, समझ गए। और बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या इस्तेमाल होगा, बोर्ड का मतलब चढ़ना इस्तेमाल होगा या फिर बोर्ड का मतलब सिर्फ बोर्ड इस्तेमाल होगा, जैसे होता है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वो इस्तेमाल होगा। तो पढ़ के पता चल जाएगा सारा का सारा, अब वो समझाएंगे तो हम अच्छे से। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी अच्छे से पढ़ सके। बाकी सारा चीज जेड टू जेड हम समझा देंगे। टेल में क्या होता है, पूंछ होता है, ठीक है। तो चलिए आपको सारा चीज समझाते हैं। वन है माई फादर डैश फॉर ऑफिस एट 9 AM, ठीक है। AM का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी मेरेडियन। 12 बजे दोपहर से पहले जो रहता है ना उसको बोलते हैं क्या, AM। 12 बजे दोपहर को बोलते हैं PM, और उसके बाद जो रहेगा 12 बजे रात के पहले तक, तब तक क्या कहेंगे, PM कहेंगे। तो वन है माई फादर डैश फॉर ऑफिस एट 9 AM, मेरे पिताजी 9 बजे ऑफिस के लिए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिप्स, ठीक है। तो वन में हो जाएगा लिप्स। बी है बर्ड्स मेक देयर डैश इन ट्रीज, पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, तो नेस्ट हो जाएगा, नेस्ट टू में हो जाएगा। थ्री है बर्ड डैश थ्रू इट्स डैश, तो पक्षी उड़ता है, तो फ्लाइज हो जाएगा थ्री का वन में। वन का नहीं मतलब क्या है, पहले होगा, तो अपने पंखों से उड़ता है थ्रू इट्स विंग्स, तो विंग्स थ्री का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। विंग्स भराएगा कहाँ, इसमें भराएगा, फ्लैश भराएगा इसमें, तो फ्लैश का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, उड़ता है, ठीक है ना, एक उड़ता हो गया, मक्खियाँ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों होता है, फ्लैश का मतलब मक्खियाँ भी होता है और उड़ता है भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, उड़ता है। फोरन बोला जा रहा है दिस ट्रेन डैश एट पटना जंक्शन, तो बोला जा रहा है यह ट्रेन पटना जंक्शन रुकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप्स हो जाएगा, STOPS, स्टॉप्स, ठीक है। यू कैन डैश द ट्रेन फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से ट्रेन पर चढ़ सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, BORD, बोर्ड। बोर्ड में क्या होता है, चढ़ना होता है। अब बोर्ड का मतलब जो आप सोच रहे हैं, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वो भी होता है। ए पैरोट इट्स मैंगो, तोता, ठीक है, आम को खाता है, तो कैसे खाता है, धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीट, BIT, बीट बाय बीट, ठीक है। फिर इसको दिखाएंगे इसमें बॉक्स में। सिक्स है द मंकी रिज्ड द डैश ऑफ ट्री एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, बंदर पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचा, पेड़ की ऊंचाई पे तो क्या हो जाए, टॉप, एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, और वहां से कूदा। सेवन देखिए ही वोर ए स्कार्फ राउंड हिज डैश, ठीक है। स्कार्फ में क्या होता है, दुपट्टा। वियर, वियर, वियर में क्या होता है, पहनना, तो वोर क्या है, भीटू है, वियर का। तो देखिए बोला जा रहा है ही वोर ए स्कार्फ राउंड हिज डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाए, नेक होगा, गर्दन। वह अपने गर्दन के चारों तरफ एक दुपट्टा पहनता है, ये लड़का वाला जो फैशन होता है ना, वो वाला है, लड़का का जो फैशन होता है गर्दन के चारों ओर पहनने वाला, ठीक है, वही है।
ठीक है आगे बोला जा रहा है, ए डॉग हैज ए ट्विस्टेड डैश, ठीक है कुत्ता का क्या मुड़ा हुआ पूछ होता है, तो टेल हो जाएगा, TAIL टेल। ठीक है आगे देखिए 9 है, द डैश ऑफ ए क्रो इज नॉट स्वीट, ठीक है यानी क्या कौवे का आवाज, कौवे का जो आवाज है वॉइस, ठीक है मधुर नहीं होता, ठीक है हो गया। ये पॉटर डैश हैवी लगेज, लगेज में इसका होता सामान होता, हैवी में इसका होता भारी, तो बोला जा रहा है कि कूली, और पॉटर में इसका होता कूली, तो बोला जा रहा है कि एक कूली भारी सामान को उठाता है, तो उठाता है तो क्या हो जाए लिफ्ट, LIFTS लिफ्ट, लिफ्ट अपने मन से भर रहे हैं नहीं, ये क्या बॉक्स से चुन रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें सारा दिया हुआ, अभी क्या था लिफ्ट था, ठीक है उठाता है, ठीक है तो सारा का सारा इसी में से चूज किए हैं, ठीक है चुने हैं। तो आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी कमेंट बॉक्स में आप सबके लिए एक लिंक स्पेशल दे दिए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का टेंशन नहीं रहेगा आप सबको। D.3 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए वाक्यों को ब्रैकेट से उपयुक्त क्रियाओं को भरकर पूरा करें, तो ब्रैकेट में क्या दिया गया वर्ब क्रिया दिया गया है, वर्ब किसे कहते हैं वैसे सब जिसे काम करने या होने का बोध हो उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं, तो ब्रैकेट में दो को वर्ब दिया गया जो होगा वही इसमें क्या भरना है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं जो ब्रैकेट में दिया गया, तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। इसमें जो एस एस लगा हुआ है ना उसको हटा करके बता रहे हैं, ठीक है ना एस लग गया तो क्या हो गया भी फाइव हो गया, तो हम यहाँ पर भी वन बता रहे हैं, भी वन, भी वन का हिंदी जैसे होता है ना ईट, ईट मीन्स क्या होता है खाना, एस लगा दिए तो क्या हो गया ठीक है खाना ही रहेगा, खाली ये क्या हो गया भी फाइव हो गया, तो यहाँ पर हम भी वन बता रहे हैं एस को हटा करके, ठीक है। तो देखिए वर्क मीन्स होता है कार्य करना या काम करना, कुक मीन्स होता है पकाना, सिंग मीन्स होता है गाना, टीच मीन्स क्या होता है पढ़ाना, इसमें ई एस हटा दीजिए, टीच मीन्स क्या होता है पढ़ाना, स्टिचेज में ई एस हटा दीजिए, स्टिच मीन्स क्या होता है सीना, ठीक है ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, पॉलिसेस ई एस हटाइए, पॉलिश मीन्स पता ही है पॉलिश करना, ये CUMB आपको बता चुके हैं, दो होता है एक होता है मुर्गा का कलगी, ठीक है लेकिन यहाँ पर कलगी तो होगी नहीं क्योंकि कलगी से क्या है काम करने का बोध थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर काम करना है तो कॉम मीन्स क्या हो जाएगा बाल झाड़ना, एस हटा दीजिए इसमें से और इसमें एस, सिंग मीन्स होता गाना, हेट मीन्स क्या होता है घृणा करना, हो गया इतना, इसमें एस हटाइए और इसमें एस हटाइए, ठीक है फ्लैप मीन्स क्या होता है फड़फड़ाना, ठीक है फड़फड़ाना, और वैग मीन्स क्या होता है पूछ हिलाना, जैसे कुत्ता पूछ हिलाता है जब वो खुश होता है अपने मालिक को देखता है या फिर आप उसको कुछ खिलाइएगा तब वो खुश होकर पूछ हिलाता है, उसी को बोलते हैं वैग, ठीक है एस हटाइए इसमें और इसमें एस, इसमें एस, इसमें एस, ठीक है लीव मीन्स होता रहना, रेस्ट मीन्स होता आराम करना, स्पीक मीन्स होता कहना, राइट मीन्स क्या होता है लिखना, ठीक है ये सारा वर्ड मीनिंग आप कॉपी में लिख करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है एक एग्जांपल भी दिया गया, ही लीव्स द नेस्ट, वह घोंसला को छोड़ता है, कौन जो मुर्गा था वो, तो यहाँ पर देख रहे हैं भी फाइव लगा हुआ लीव्स LEAVE, ठीक है लीव मीन्स होता है छोड़ना, एस लगा दिए तो क्या हो गया छोड़ता है भी फाइव। अगर आप चैप्टर वन से लगातार वीडियोस को देख रहे हैं क्लास फोर इंग्लिश बिहार बोर्ड का तो आपको समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि भी फाइव क्या होता है, कई बार बता चुके हैं। देखिए माय मदर डैश इन एन ऑफिस, मेरी माँ एक ऑफिस में क्या करती है खाना पकाती है, नहीं मेरी माँ एक ऑफिस में काम करती है तो क्या हो जाए वर्क्स, तो टिक मारना नहीं क्या करना है इंसर्टिंग, तो इसको क्या भरना है तो इसको यहाँ पर भर देंगे, ठीक है तो इसमें टिक मत मारिएगा भरना है, यहाँ पर बस टिक मार के दिखा रहे हैं आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो माय मदर डैश इन एन ऑफिस, मेरी माँ एक ऑफिस में काम करती है, ठीक है तो वर्क्स हो जाएगा। माय फादर डैश इन ए कॉलेज, माय फादर डैश इन ए कॉलेज, मेरे पिताजी कॉलेज में पढ़ाते हैं। ए टेलर डैश क्लॉथेज, ठीक है दर्जी कपड़ों को सीता है तो स्टिचेज, ही डैश इज हेयर, वो अपने बालों को क्या करता है पॉलिश करता है, नहीं पॉलिश तो जूता को करेंगे तो वह अपने बालों को ठीक है कंघी करता है। माई ब्रदर डैश वेल, मेरा भाई
ठीक है ना, अच्छे से गाता है तो सिंग्स हो जाएगा। हिट मिस क्या होता है, घृणा करना। एस हटा के बता रहा है, V1 बता रहे, V5 ने। ए डॉग डैश इट्स टेल इन प्लेजर, प्लेजर मिस क्या होता है, आनंद। तो बोले जरा, एक कुत्ता आनंद में अपने पूंछ को क्या करता है, हिलाता है, तो वैक्स हो जाएगा। अपने पूंछ को फड़फड़ाएगा, थोड़ी पंख थोड़ी है उसके पास, तो हिलाएगा। नेक्स्ट है, ही डैश इन ए रेंटेड हाउस, वह एक किराए के घर में रहता है, तो हो जाए लिप्स। मदन बाबू डैश पोइट्री, पोइट्री में इसका होता है कविताएं या कविता, इसका सिंगुलर और प्लूरल है ना, दोनों सेम ही रहता है। तो मदन बाबू कविताएं लिखते हैं, तो हो जाएगा राइट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सवाल है आपके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ई में बोला जा रहा है लेट्स लर्न, चलो सीखें। तो बोला जा रहा है यूजिंग बिट बाय बिट एंड मेक वंस वे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि बिट बाय बिट और मेक वंस वे का इस्तेमाल करके, क्या इस्तेमाल करके, कुछ वाक्य बनाना रहेगा। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बिट बाय बिट का मतलब होता है स्लोली और ग्रेजुअली, स्लोली यानी धीरे धीरे और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। तो बोला जा रहा है बिट बाय बिट का मतलब होता है धीरे धीरे, जो आपको पहले ही बता चुके हैं जब कविता पढ़ाया था। मेक वंस वे, मेक वंस वे मीन्स होता है जाना, ठीक है। अब इसका उदाहरण दिया गया है दो तो पढ़ लेते हैं। आई एट एन एप्पल बिट बाय बिट, जो ए टी ई एट देख रहे हैं ना, वो क्या है, ई ए टी, इट का क्या है, वी टू है, इट V1 हो गया और ये एट V2 हो गया, ठीक है। और ये जो मेड देख रहे हैं ना, MADE मेड, ठीक है, ये किसका V2 है, मेक का, मेक V1 है और मेड V2 है। मेक मीन्स होता है बनाना। तो बोला जा रहा है आई एट एन एप्पल बिट बाय बिट, मैं एक सेब को धीरे धीरे खाया। ही मेड हिज वे टू ऑफिस, वह ऑफिस गया, ठीक है, वो ऑफिस गया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 1.1, मेक सेंटेंसेस विद बिट बाय बिट एंड मेक वंस वे। तो बोला जा रहा है बिट बाय बिट और मेक वंस वे से वाक्यों को बनाइए। कितना वाक्य बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 को वाक्य बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि इससे 2 को बनाइए, इससे 3 को बनाइए, ठीक है, या फिर इससे 3 को बनाइए या फिर इससे 2 को बनाइए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ज़्यादा बना सकते हैं और किसी को भी कम बना सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 5 को। पहला है राज मेक्स हिज वे बिट बाय बिट, राज धीरे धीरे जाता है। बिट बाय बिट का मतलब होता है धीरे धीरे। द वुल्फ मेड इट्स वे टू द फॉरेस्ट, वुल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया, भेड़िया जंगल गया, भेड़िया जंगल गया। सोहन मेक्स हिज वे टू स्कूल, सोहन विद्यालय जाता है। ही ईट्स कोल्ड आइसक्रीम बिट बाय बिट, वह ठंडी आइसक्रीम को धीरे धीरे खाता है। ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स बिट बाय बिट, वह धीरे धीरे, बिट बाय बिट मतलब क्या, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे समस्याओं को सुलझाता है। तो हो गया 5 को। एफ है लेट्स डू, चलो करें। मेक ए लिस्ट ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड पेट बर्ड्स, पेट में होता पालतू और वाइल्ड में होता है क्या, जंगली। तो बोला जा रहा है जंगली पक्षियों और पालतू पक्षियों का एक लिस्ट बना, इसमें जंगली पक्षी और इसमें पालतू पक्षी। तो चलिए आपको लिख के दिखाते हैं। तो जंगली पक्षियों में लिख सकते हैं क्रो, कौवा, ईगल, गरुड़, वल्चर, गिद्ध, आवल, उल्लू, पेंगुइन, जो क्या है, जो ठंडे प्रदेशों में रहता है, पेंगुइन। ऑस्ट्रिच मिस हो गया शुतुरमुर्ग। अब आते हैं पालतू पक्षी के बारे में। कॉक मिस हो गया मुर्गा, हेन मिस मुर्गी, डक मिस बत्तख, पैट्रिज मिस होता तीतर, लोग इसको खाते हैं, पैरट मिस तोता, पिजन मिस कबूतर। तो यहाँ पर बोला नहीं गया कि कितने पक्षियों का नाम लिखना है, तो आप कितने भी पक्षियों का नाम लिख सकते हैं। बस ध्यान में रखिएगा क्या, कि दोनों में अगर बराबर लिखिएगा तो थोड़ा दिखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। अगर इसमें 8 को लिखिएगा तो इसमें भी 8 को लिखिएगा, ठीक है, इसमें 9 को लिखिएगा तो इसमें भी 9 को लिखिएगा। ऐसा बोला नहीं गया, बस आपको बता रहे हैं कि देखने में अच्छा लगेगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जोर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।